प्रकरण 81। वो कौन थी? क्या भूत प्रेत होते हैं? क्या मृत्यु के बाद और जन्म से पहले कोई अस्तित्व होता है? क्या पृथ्वी से परे कोई अन्य लोक भी है? क्या आकृति और उसकी छाया की तरह कर्म फल का सिद्धांत अटल है? ये सब ऐसे आश्चर्यप्रद तथ्य हैं जिन पर सामान्यतया आश्चर्य होता ही नहीं, परंतु जिन्हें जब होता है तो वे खोज करने लगते हैं। और वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, रहस्यवादी, योगी आदि के रूप में अनेक ग्रंथ रच लेते हैं, अपने अपने पक्ष या विपक्ष में। जो भी हो, इस जीव जगत में क्या कुछ ऐसा भी है जो आश्चर्यप्रद नहीं है? हम स्वयं को ही ले लें, हमारा स्थूल शरीर मनुष्य के शरीर रूपी एक ही सांचे में से निकलने के पश्चात भी अलग अलग आकृति लिए हुए है। अनगिनत आकृतियों में भी हर एक आकृति स्वयं में अपना अलग परिचय देती है। अपने शरीर की भीतरी रचना को देखें तो उस अदृश्य कलाकार की अद्भुत कला पर हैरानी हो उठती है। स्वचालित स्पंदित होता हृदय कंप्यूटर की तरह सभी संभावनाओं को स्वयं में समेटे, या अद्भुत मस्तिष्क, लीवर, गुर्दे, आते आदि महत्वपूर्ण अंग तथा नाड़ी जाल और हड्डियों का पिंजर इस तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से फिट किए गए हैं कि बड़े से बड़ा इंजीनियर भी हतप्रभ रह जाए। सूक्ष्म संरचना में मन, बुद्धि और चित्त, ये ऐसे सूक्ष्म तत्व हैं जिन्हें कोई भी डॉक्टर पकड़ नहीं सकता। सभी हैरान रह जाते हैं। इतना ही नहीं, खोजकर्ता योगियों ने इन सबसे परे इनके आधार रूप कारण शरीर को भी अनुभव किया है। चेतना का अभिव्यक्तिकरण भी योगियों की अनुभूति का विषय बना रहता है। और क्या कभी हमने सोचा है कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बदलते हुए शरीर के भीतर न बदलने वाला मैं स्वयं अपने को ही नहीं जानता? या आत्म तत्व क्या आश्चर्यप्रद नहीं? इस सोच का ना तो कोई अंत है ना आदि। इस संसार की न दिखने वाली चीज तो हैरान करती ही है, परंतु स्पष्ट दिखने वाली चीजें भी समझ से बाहर लगती है। इस पृथ्वी से परे के लोग, ग्रह, नक्षत्र, निहारिकाएं तो छोड़ो, स्वयं हमारी इस पृथ्वी के ऊपर तथा भीतर के जीव जगत का कोई और छोर है क्या? ये सारा का सारा स्वयं में अनंत है, अथाह और अजूबा ही है। वैज्ञानिक हो, खगोलविद या आध्यात्मिक ऋषि, जितना जब जिसने खोज करके जाना उतना उतना दावा करते चले गए। समझ के परी को समझने वालों के लिए बहुत से रहस्य अंश सुलझे रह जाते हैं, परंतु हैरानी तब होती है जब एक साधारण मनुष्य के प्रति भी कुछ रहस्य स्वतः खुलने लगते हैं, चाहे अधखुले रूप में ही क्यों ना हो। वे सत्य की ओर संकेत तो कर ही देते हैं। कुछ ऐसा ही संकेत लिए हुए एक घटना घटित हो गई सन 1980 में। यमुना नगर के लाला खरेती लाल मल्होत्रा के साथ घटित हुई यह घटना भी कम आश्चर्यजनक नहीं। एक रात लाला जी अपने कमरे में सोए हुए थे, अचानक आधी रात को एक लड़की सामने खड़ी हो गई और बोली, लाला चल मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आई हूं। लाला जी ने उसी तंद्रावस्था में पास ही मेज पर पड़ी गुरुदेव की फोटो की ओर इशारा करके कहा, तुम मुझे कैसे ले जा सकती हो? मैं तो बावरा जी महाराज का शिष्य हूं, ये मेरे गुरुदेव हैं, इनके होते मुझे कोई नहीं ले जा सकता। यह सुनते ही वह चली गई। दूसरी रात ठीक उसी समय वह लड़की फिर आई और बोली, लाला तुझे पैसे चाहिए, ले मैं तुझे पैसे देती हूं। कहकर 10 का नोट वहां रखकर वह चली गई। प्रातः आंख खुली तो तकिए के पास 10 का नया नोट देखकर पहले तो लाला जी घबरा गए, फिर उन्हें लगा कि शायद बहु बेटों में से किसी ने रख दिया होगा, परंतु पूछने पर पता चला कि किसी को भी इस नोट के बारे में कुछ पता नहीं। अब प्रत्येक रात वह लड़की आती और 10 का नोट लाला जी के सिरहाने रखकर चली जाती। लाला जी सतत गुरुदेव प्रदत्त मंत्र का ध्यान करते, परंतु घबराहट में वह नोटों को बिना छुए एक थैली में डालते गए। जब गुरुदेव विदेश से भारत वापस आ गए तो लाला जी समाचार मिलते ही चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर
गुरुदेव को मिलने आए और कहा, महाराज आपसे मैंने एकांत में बहुत जरूरी बात करनी है। बहुत अधिक भक्तों की भीड़ में अकेले बात करना संभव ना था, अतः गुरुदेव ने कहा, लाला जी 2-3 दिन बाद मुझे हरिद्वार जाना है, तब कुछ समय के लिए मैं यमुनानगर रहूंगा, उस समय आपकी बात सुनूंगा। कुछ दिन बाद गुरुदेव अपने कुछ शिष्यों के साथ हरिद्वार जाते समय रास्ते में यमुनानगर रुके। पेपर मिल के वाइस प्रेसिडेंट सहगल जी के विशेष आमंत्रण पर जैसे ही गुरुदेव उनके निवास स्थान पर पहुंचे, लाला जी ने अपने दोनों मित्रों के साथ चरण वंदना करके स्वागत किया। भोजनोपरांत लाला जी बोले, गुरुदेव मैं आजकल बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। सदैव हंसते रहने वाले लाला जी का गंभीर परेशान चेहरा देखकर गुरुदेव ने पूछा, अरे लाला जी आपको क्या हो गया? लाला जी ने सबके सामने 10 के नोट और उस लड़की से संबंधित आप बीती सुनाई। सुनते ही सभी घबरा गए। आर्य समाजी संस्कारों में पले बढ़े सलूजा जी ने तुरंत पूछा, अरे वो कौन थी, क्या थी वो, भूतनी थी? इससे पूर्व की गुरुदेव कुछ कहते, लाला जी ने इस संबंध में फिर से अपनी एक और पुरानी घटना सुनानी प्रारंभ की। गुरुजी, आज से लगभग 55 साल पहले की बात है, तब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, हम जेहलम में रहते थे। तब मैं 24-25 साल का युवक था। मेरा स्वभाव साधु संतों को मिलने और उनसे चर्चा करने का था। एक दिन मैं एक मुस्लिम फकीर के दर्शन करने गया। चलने से पहले मैंने सोचा था कि वहां 10 रुपए माथा टेकूंगा, लेकिन जब मैंने वहां जाकर देखा कि फकीर अपनी कुटिया के बाहर एक जवान लड़की की गोदी में सिर रखकर लेटा हुआ है, तो मैंने उन्हें नमस्कार किया, परंतु मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने केवल 5 रुपए उनके आगे रखे और वापस आने लगा। तभी फकीर ने आवाज लगाकर कहा, खरैती लाल बाकी के 5 रुपए कहां है? सुनकर आश्चर्य हुआ कि मेरे मन की बात फकीर ने कैसे जान ली। 5 का दूसरा नोट भी निकाला और फकीर को देकर मैं घर आ गया। इस बात को मैं भूल गया। भारत के बंटवारे में मैं इधर आ गया। थापर पेपर मिल के मालिक कर्मचंद थापर मेरे घनिष्ठ मित्र थे, अतः उनके कहने पर मैंने कमर्शियल एडवाइजर के पद को स्वीकार किया और यमुनानगर आ गया। अब इतने वर्षों बाद वही युवा लड़की जिसकी गोद में फकीर ने सिर रखा था अचानक भूतनी बनकर मेरे पास आ रही है। यह 10-10 के नोटों से भरी थैली मैं आपको दे रहा हूं। सारी बात सुनकर गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, आप तो जानते ही हो लाला जी मैं पैसे छूता नहीं। यह पैसे मनीषा यानी स्वामी मनीषा जी, जो उन दिनों विराट नगर की व्यवस्थापिका थी और उस समय गुरुदेव के साथ ही बैठी थी, को दे दो। लाला जी घबराकर बोले, नहीं नहीं महाराज, यह भूतनी के पैसे हैं, इन्हें कोई आसानी से कैसे छू सकता है? डरो नहीं, इन सब देवियों से भूत प्रेत दूर भागते हैं। कहते ही गुरुदेव ने प्रश्नवाचक दृष्टि से मनीषा जी की ओर देखा तो उन्होंने निर्भय होकर पैसे पकड़ लिए। लाला जी ने कातर होकर प्रार्थना की, गुरुजी अब वह भूतनी मेरे पास नहीं आनी चाहिए। गुरुदेव ने अभय मुद्रा में हाथ उठाकर कहा, जाओ निश्चिंत हो जाओ, अब वह कभी नहीं आएगी। उस दिन के बाद वह फिर कभी लाला जी को दिखाई नहीं दी। लाला जी कट्टर आर्य समाजी निर्भीक और तार्किक व्यक्तित्व के मालिक होते हुए भी एक ऐसी उलझनपूर्ण भंवर में फंस गए जिसको समझना अत्यंत कठिन था। परंतु प्रकृति के ऐसे रहस्य को जिसे स्वीकार करना असंभव सा लगता था, वह सत्यानुभूति के रूप में लाला जी के साथ साथ अन्य लोगों को भी हैरान कर गई। इन्हीं लाला जी के साथ एक अन्य रोचक घटना भी घटी जो अगले प्रकरण में लिखित है। अगर आप लोगों ने इससे पहले की जीवनी नहीं सुनी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। प्लेलिस्ट में आपको अभी तक मैंने जितने भी एपिसोड बनाए हैं अकथ कहानी पे, वो सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से सुन सकते हैं।